है बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की बड़ी कार्रवाई, पार्टी के सभी संगठनों को किया भंग, प्रदेश के क्षेत्रीय जिला और फ्रंटल संगठन भंग। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की बड़ी कार्रवाई फिलहाल सामने आई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पार्टी के सभी संगठनों को भंग किया और प्रदेश के क्षेत्र जिला और फ्रंटल संगठन भी भंग हुए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, तो लखनऊ से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जयंत चौधरी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, पार्टी के सभी संगठनों को भंग किया गया है। आरएलडी की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है और प्रदेश के क्षेत्रीय जिला एवं फ्रंटल संगठन को भी भंग किया गया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, जयंत चौधरी ने यह बड़ा एक्शन लिया और सभी संगठनों को भंग किया। जी बिल्कुल, अगर बात करें चुनाव की और जिस तरह से चुनाव में जैसी उम्मीद थी वैसे आरएलडी के परिणाम नहीं आए थे, उसी को देखते हुए आज जयंत चौधरी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सभी क्षेत्रीय, जिला और प्रदेश लेवल के जो संगठन हैं उनको भंग कर दिया गया है। और निश्चित तौर से अब चर्चा होगी, क्योंकि 21 मार्च को रालोद की तरफ से सभी जो विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई है और उसके बाद में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। चुनाव में जिस तरह की उम्मीद बताई जा रही थी कि आरएलडी बेहतर प्रदर्शन करेगी और पश्चिम में समाजवादी पार्टी को भी आरएलडी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं आए। यही कारण था कि जो हार का ठीकरा है वो जो संगठन था उसके जो नेता थे उन पर फूटा है और इसी कारण से सभी को भंग कर दिया गया है। और अब 21 मार्च के बाद में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह का संगठन विस्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अब ये चीजें जो है वो बेहद अहम है। लेकिन चंद्रमणि, क्या लगता है कि अब ये जब बड़ा एक्शन लिया है, क्या नए तरीके से एक बार फिर से पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए जयंत चौधरी कुछ अहम जिम्मेदारियां कुछ दूसरे लोगों को सौंप सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें जब संगठन के सभी फ्रंटल और सभी जिला और ये संगठन भंग किए गए हैं, तो इसके पीछे कारण यही है कि अब संगठन को नए तरीके से बनाया जाए, नए तरीके से विस्तार दिया जाए। और निश्चित तौर से जब इन चुनाव में हार हुई है तो उसके आगे के चुनाव किस तरह से लड़े जाए, किस तरह से तैयारियां की जाए और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, ये काफी अहम होगा। वहीं अगर आरएलडी की बात करें तो आरएलडी के लिए यहाँ पर प्लस की खबर है, क्योंकि पहले उनके पास सिर्फ एक विधायक था पिछली बार में, इस बार 8 विधायक है। हाँ। तो कहीं ना कहीं संगठन में आरएलडी को मजबूती जरूर मिली है, पर जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी उस तरह की परिणाम नहीं आ पाए हैं। अब ये देखना होगा कि 21 मार्च की बैठक में क्या निकलता है, क्योंकि वो बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। उसमें जीते हुए प्रत्याशी पहुंचेंगे, जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे और जो संगठन के तमाम अन्य नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो उसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किसको कौन सा पद दिया जाए और किस तरह से जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधे जाए, जिससे आने वाले चुनाव में, भविष्य के चुनाव में आरएलडी को मदद मिल सके। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अब ये जो बड़ा एक्शन है वो उनकी ओर से लिया गया है। लेकिन चंद्रमणि, एक अहम बात है यहाँ पर, क्योंकि अगर इस 22 के आम चुनावों की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ में आरएलडी का गठबंधन, क्या लगता है अब जब पार्टी को एक नई मजबूती के लिए पहले से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इसमें भी कोई ना कोई दखलअंदाजी हम कहेंगे, क्या अखिलेश यादव का कोई रोल भी इसमें हो सकता है या पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस पर जयंत चौधरी निभा रहे हैं? ये देखिए, जयंत चौधरी का अलग दल है और समाजवादी पार्टी का अलग दल है, तो अब जब दलीय बात है, हालांकि गठबंधन की बात होती तो एक बार सोचा जा सकता था कि उनकी सीटों पर वो प्रत्याशी उतार देते या इनके टिकट पर दूसरे प्रत्याशी उतार देते, पर जब संगठन की बात है तो इसमें निर्णय जयंत चौधरी लेंगे, जो इनके पार्टी के शीर्ष नेता है वो लेंगे। और चूंकि कोई भी पार्टी होती है उसकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो संगठन में चुना जाता है उसे जिम्मेदारी दी जाती है, तो एक सारी पार्टियों का एक संविधान होता है और उसी के तहत कार्य करती है। तो ये राष्ट्रीय लोकदल भी एक पुरानी पार्टी है और इसका भी अपने नियम कायदे हैं, तो उसी के अनुसार पार्टी में चयन होगा, तमाम नेताओं के बाद में आपस में विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि
बात करें अंतिम मोहर की, तो अंतिम मोहर जयंत चौधरी ही लगाएंगे क्योंकि पार्टी के सर्वे सर्वा वही है। तो अब ये देखना होगा कि 21 को किन लोग मामों पर चर्चा होती है और किस तरह से अंतिम मोहर लगती है, तो इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। पर फिलहाल की खबर यही है कि जो तमाम संगठन थे उनको भंग कर दिया गया और अब नई आरएलडी तैयार होने जा रही है। बिल्कुल, यानी नए तरीके से अब काम करने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम जानकारी, जहां प्रदेश के क्षेत्रीय और जिला एवं फ्रंटल संगठन सभी को भंग कर दिया गया है जयंत चौधरी की ओर से, और नए तरीके से नए सिरे से अब शुरुआत होने की बात सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है।